आज का जो टॉपिक है वो यामा R5 वर्जन 3 जो कि पंजाब से आई है, बना से पंजाब जलंधर से भी आए हैं। क्या क्या काम करवाने वाले हैं आज? जो आपको फुल लोड बैकलाइट आती है ना इसकी, ये वाली देखो, ये पूरी इसकी असेंबली चेंज कर निकालना है, ये लगाने वाले हैं। देखो यहाँ पर ये ग्रेवी वाले लोग क्या करते हैं, इसमें फेविक्विक एम सील मिट्टी वगैरह लगा के जुगाड़बाजी करते हैं, बट उसके लिए प्रॉपर ग्रेवी लगे क्योंकि कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होगा। एक्सरी जो निकाल रखी है मैंने बैकलाइट, तो ये बैकलाइट मैंने आपको दिखाई, ये कुछ इस तरीके से है। जो ये देखो R5 का कोई भी मॉडल हो, कोई भी एडिशन हो, सब पर मिल जाएगी आपको। DRL कितने यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एक दिखा रहा हूँ मैं इंडिकेटर, ये देखो मतलब, और R5 का कोई भी एडिशन हो सब पर इंस्टॉल हो जाता है। पर लीवर गार्ड्स लगा रहे हैं, और ये कुछ इस तरीके से इसमें क्लच एंड लीवर्स, अगर ये कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से। HG की ओरिजिनल फॉग लाइट, R6 मिरर आप देख सकते हो, जो कि 10R बाइक में आपने देखेंगे। कुछ फ्रंट जो सस्पेंस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे फोर्क सिलेंडर लगाए जा रहे हैं, जो कि रेड कलर के मिल जाएगा आपको, सिल्वर मिल जाएंगे, काफी सारे फुल प्रोटेक्शन वाला क्रैश गार्ड। सैडल स्टो टॉप रैक का पूरा सेटअप, अच्छा ये कुछ यहाँ से आएगा इस तरीके से। तो ये टॉप रैक और सैडल स्टे का जो सेटअप है ये कंबाइंड है, काफी ब्यूटीफुल लग रही है। इंस्टॉलेशन के बाद कुछ इस तरीके से लुक आता है। एवरीवन आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस, मो कॉस्ट आपका दोस्त, मैं ले आपके लिए एक और नया वीडियो, एक और नया टॉपिक। मेरा नाम है सिकंदर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। इस समय खड़ा हूं मैं गाइस अपनी न्यू वाली शॉप पर। ओल्ड वाली शॉप की वीडियो आप काफी लोग देखते रहते हो, बट सबसे ज्यादा जो वीडियो बनाता हूं मैं न्यू वाली शॉप की, क्योंकि यहां पर रीजन ये है आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से एक्सेसरीज भी अवेलेबल है और यहां पर आप लोग बैठ के इजीली अपना वर्क करा सकते हो। बाकी आज का जो टॉपिक है वो यामा R5 वर्जन 3 जो कि पंजाब से आई है। बाकी इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पर V4 खड़ी हुई है, जिसमें ग्रेव रियल वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ पर जो लेमिनेशन काम किया जा रहा है, क्रैश गार्ड भी इंस्टॉल है, देख सकते हो इसमें भी जो लेमिनेशन हो रही है, और यहाँ पर स्लाइडर लगा हुआ है। बट आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है ये अपनी V3, और ये बाइक आई है पंजाब से। सर आ रखे हैं भैया, कैसे आ रहे हो? बस बढ़िया जी, पंजाब जलंधर। जलंधर से भैया आए हैं, क्या क्या काम करवाने वाले इसमें आज? जो आपको अच्छा फुल लोड ही है भैया, जो जितना हो सके सेफ्टी वाला, इतनी दूर आया तो फुल लोड ही करवाएंगे। हाँ, बाकी वैसे वीडियो में लास्ट में बात करेंगे, पहले सामान दिखाते हैं क्या क्या है। इसके अलावा ये पूरी जो बैकलाइट आती है ना इसकी, ये वाली देखो, ये पूरी इसकी असेंबली चेंज कर निकालना है इसको, तो ये पूरी इसमें चेंज करने वाले हैं। और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि DRL वगैरह हो गया, और इसमें इंडिकेटर का भी शायद वर्क होता है इसमें, ये देखो तो ये लगाने वाले हैं। इसको जो कनेक्ट कर देंगे ना पूरी तरीके से, तब तक दिखाऊंगा फाइनल पे लुक कैसा आता है। उसकी पूरी रिले वगैरह सब साथ में आती है इसमें। इसके अलावा इसमें देखो क्रैश गार्ड इंस्टॉलेशन का काम चालू कर दिया गया है। देखो यहाँ पर ये ग्रेवी वाले R5 की काफ़ी सारी बाइक में क्या प्रॉब्लम होती है कि जो ये वाला पार्ट है ना, मैं दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट टूट जाता है, और लोग क्या करते हैं इसमें फेविक्विक एम सील मिट्टी वगैरह लगा के जुगाड़बाजी करते हैं, बट उसके लिए प्रॉपर ग्रेवी लगे क्योंकि कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होगा। ये प्लेग एंड प्ले फिटिंग आप घर पे भी कर सकते हो, और इसको लगाने के बाद जो पील एंड राइडर रहेगा ना आपका, वो इसे पकड़ सकते हैं इस तरीके से, और अपनी बाइक को आगे पीछे कर सकते हो, और प्रॉपर मेटल में है तो बिल्डनेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इसकी, और पीछे से जो बाइक है काफ़ी ज़्यादा बल्की हो जाती है, तो ये भी एक चीज़ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ टोटल एक्सरसाइज रख के कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऑर्डर करने वाले हैं। सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि आपके भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग लोकल वीडियो लाता रहता है। तो ये इसकी एक्सरसाइज जो निकाल रखी है मैंने, ये देख सकते हो आप। तो फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ बैकलाइट, तो ये बैकलाइट मैंने आपको दिखाई, ये कुछ इस तरीके से है, जो कि आपकी वाली बैकलाइट निकलेगी जो स्टॉक कंपनी से आती है, ये वाली लग जाएगी कुछ इस तरीके से। और इसमें DRL वगैरह जो है ना भाई, एक नंबर का है, राइज वाइज चला के दिखा रहे हैं इसको, तो ये कनेक्शन कर रहे हैं वो भाई साहब। ये तो आपका जो ब्रेक पे चलेगा, ये देखो। तो दोस्तों ये है, देख सकते हो आप, यामा R5 का कोई भी मॉडल हो, कोई भी एडिशन हो, सब पर मिल जाएगी आपको ये बैकलाइट, जो कि आपकी स्टॉक बैकलाइट हटेगी, और ये कुछ इस तरीके से लग जाएगी भाई साहब। देखो इसमें पैटर्न देखो, DRL कितने यूनिक, और काफ़ी सारे इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें देख रहे हो जो ब्लिंक कर रहा है, काफ़ी स्टाइल से कर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये देखो भाई। और अभी दिन का समय, रात में भाई अलग ही लेवल का इसमें लुक आने वाला है, ये देख सकते हो। और भी कुछ तो ये तो हो गया DRL प्लस ब्लैक ब्रेक, दिखा रहा हूँ मैं इंडिकेटर, ये देखो अभी इंडिकेटर पे देखो भाई साहब, ये देखो मतलब ये देखोगे अगर उस तरफ का दे रहे हो तो उस तरफ, और इस तरफ का देखो तो इस तरफ चल रहा है, ये देखो। तो काफ़ी यूनिक चीज़ है ये, और R5 का कोई भी एडिशन हो सब पर इंस्टॉल हो जाता है। सो नेक्स्ट है यहाँ पर लीवर गार्ड्स लगा रहे हैं, इसका बेसिकली यूज़ होता है, जो कि इनकेस कहीं बाइक करेगा तो आगे क्लच और लीवर्स डैमेज नहीं होते, और ये कुछ इस तरीके से इसमें मेटल में आप देख सकते हो, और कलर डिजाइनिंग और इससे भी हैवी आपको मिल जाएगा, बट ये बेस्ट है। अगली जो है गाइस मॉडिफिकेशन, वो है इसमें एडजस्टेबल वाले क्लच एंड लीवर्स, जो कि कुछ इस तरीके से हैं, मेटल में है और बहुत ही जेन्युइन चीज़ है। ये देखो इसे स्विच कर सकते हो अपनी फिंगर की कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ये कुछ इस तरीके, देखो इसमें ऐसे मोड्स दे रखे हैं, तो ये इसको आप स्विच करके
पास या दूर कर सकते हो अपने लीवर्स को। तो ये हो गया। तो यहाँ पर एच जी की ओरिजिनल फॉग लाइट है, जिसमें आपको दो कलर मिलते हैं, एक मिलता है येलो और एक मिलता है वाइट। जेन्युइन एच जी की है और वाटरप्रूफ है। R6 मिरर आप देख सकते हो, जो कि 10R बाइक में आपने देखे होंगे, कुछ उसी स्टाइल के सेम कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिल जाता है। बबल वाइजर भी इसमें ऐड करने वाले हैं। इसके अलावा बैक लाइट साथ में रिले इसमें साथ में आती है, तो कुछ किसी भी तरीके की कोई बैटरी पर या आपकी बाइक पर इफेक्ट नहीं पड़ता। फ्रंट जो सस्पेंशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर फोर्क स्लाइडर लगाया जा रहा है, जो कि रेड कलर के मिल जाएगा आपको, सिल्वर मिल जाएंगे, काफी सारे कलर और भी अवेलेबल है। यहाँ पर एक बाइक को स्पोर्टी लुक देने के लिए विंग लाइट लगाई जा रही है। और ये है फुल प्रोटेक्शन वाला क्रैश गार्ड। इसको लगाने के बाद आपकी बाइक के फेयरिंग में किसी भी तरीके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा और पूरी सेफ्टी रहेगी बाइक की भी और आपकी भी। तो ये तो एक्सेसरीज होगी मैंने आपको दिखाई, जो भी इसमें और नई एक्सेसरीज होगी तो वो फाइनल करके फिर आपको दिखाता हूँ बाइक पे कैसा लुक आता है। दोस्तों अभी आप देख सकते हो इसमें मिरर लगा दिए गए हैं, इसके अलावा वाइजर भी आप देख सकते हो, फॉग लाइट लग गई है और यहाँ पर फोर्क स्लाइडर भी इंस्टॉल कर दिए हैं। इंडिकेटर काफी लोग स्लिम वाले लगवाते हैं, बट यहाँ पर KTM वाले इंडिकेटर लगा दिए। क्रैश गार्ड भी आप देख सकते हो। इसके अलावा ऑयल का कैप यहाँ पर लगा रखा है और अब यहाँ पर लगा रहे हैं सैडल स्टोर टॉप रैक का पूरा सेटअप। बहुत ही हैवी, क्योंकि ये बाइक जो बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है टूरिंग सेगमेंट के हिसाब से, तो टूरिंग मॉडिफिकेशन इसमें की जा रही है। जो कि फ्रंट की मॉडिफिकेशन तो ऐसी है, वो कई जगह रास्ता है, बट ये चीज़ जो है ये प्रॉपर उन लोगों के लिए, जिन लोगों ने इसमें सैडल बैग्स डिग्गी वगैरह लगानी हो, टॉप बॉक्स लगाना हो, तो उन लोगों के लिए है पूरा सेटअप, जो कि आपका यहाँ पर लगेगा। ये कुछ इसकी इस तरीके से फिटिंग है, ये अच्छा ये कुछ यहाँ से आएगा इस तरीके से, ये देखो भाई। और अब ये कुछ इस तरीके से लगेगी बाइक। तो अभी क्या है, अभी भी इसमें जो है काफ़ी सारे वर्क रहते हैं, तो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल पर। और ये एक्चुअल में इसका ये देख सकते हो आप, तो लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा बल्कि होने वाली है। आगे से तो बल्कि है ही, बट पीछे से अब ये चीज़ इसको बल्कि कर देगी, तो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल। Not true, I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. तो फाइनली दोस्तों मॉडिफिकेशन के बाद जो बाइक में लुक आया है वो अलग ही लेवल का आ गया यार, और बहुत ज़्यादा बल्कि लग रही है बाइक आप देख सकते हो फ्रंट से। और फ्रंट से स्टार्ट कर देते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की हैं। फर्स्ट ऑफ बात करूंगा बबल वाइजर आप देख सकते हो, जो कि ब्लैक कलर का है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो लुक आप देख सकते हो कितनी इसकी ब्यूटीफुल आ रही है। इसके अलावा 10R वाले कॉन्सर्ट वाले मिरर देख सकते हो आप, तो ये देख सकते हो। इसको आप कुछ इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो और इसके अंदर आपको इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिलता है। तो सिंपली इसका इग्निशन ऑन करता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसका इग्निशन ऑन किया, और इग्निशन ऑन करने के बाद जो आप देखोगे ना लुक, ये देखो गाइस, और साथ ही इसमें लगा रखा है सिमटेक का हैजार्ड, इसमें आपको एक साल की मिलती है गारंटी। और ये जो इसके पैटर्न है, इसको एक्टिवेट करने के लिए आप इस स्विच को लेफ्ट राइट पीछे प्रेस करोगे फास्ट, तो पैटर्न जो है वो इसके चेंज हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, जैसा कि अब है ये देखो। और काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा यहाँ पर बॉडी इंडिकेटर लगवाने, बट अपनी अपनी चॉइस होती है, तो यहाँ पर बॉडी इंडिकेटर नहीं लगवाएं, स्लिम इंडिकेटर जो कि लाइक KTM स्टाइल वाले आप देख सकते हो। यहाँ पर फोकस इसका काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट है और फुल्ली रीजेबल है, ये देखो। इसके अलावा यहाँ पर HHG की ओरिजिनल फॉग लाइट, जिसमें आपको दो कलर मिलते हैं, एक येलो और एक वाइट। और इसको एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आपको ये वाला स्विच दे रखा है, इस स्विच को देखो मैं ऐसे करता हूँ, ये देखो ये वाइट हो गया और ये हो गया येलो, अब देखो इस तरीके से। और बेस्ट पार्ट ये है इस जगह पे लगाने का कि जिस साइड भी आप टर्न करोगे ना उस साइड इसका फोकस जाएगा, ये देखो ठीक है। तो ये जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है फेयरिंग पर अगर आप लगवा लेते हैं, या कभी आपने देखा होगा जो लगवा लेते हैं हैंडल वगैरह पे, जिनके हैंडल जो है कुछ इस तरीके के होते हैं, तो वो क्या होता है कि वो एक सेकंड का दो सेकंड का फर्क पड़ जाता है। यानी कि जब आप गली में टर्न ले रहे हो ना तो फोकस एक सेकंड दो सेकंड बाद आएगा, तो उस केस में जो है थोड़ा सा चांस रहता है एक्सीडेंट का। तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जिधर आप टर्न करोगे उधर ही होगा। तो ये तो हो गया आपका येल्लो का। और ये स्विच जो है ये सिंगल स्विच है, और इस सिंगल स्विच से आप दोनों तरीके की लाइटें कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि इसको सेंटर में किया ये हो गया ऑफ,
ऊपर किया तो येलो और नीचे किया तो वाइट फॉग लाइट हो गई। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो फोर्क स्लाइडर, शॉकर, प्रोटेक्टर और डिस्प्ले वगैरह, जो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला जो पार्ट है आपका प्रॉपर तरीके से सेफ रहेगा। कलर की चिंता करने की बात नहीं, कलर काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जिस कलर का आपका बाइक होगा, स्कूटी होगा, उस कलर का यहाँ पर मिल जाएगा। और ये यूनिवर्सल है, किसी बाइक किसी भी स्कूटी में आप लगवा सकते हो। तो अब मैं आता हूँ हैंडल बार पर, हैंडल बार पर आपको देखने को मिलेंगे एडजस्टल वाले क्लच है, लीवर, जो कुछ लोगों की फिंगर शॉर्ट है या लॉन्ग है तो उस केस में अपनी फिंगर की कंफर्टेबिलिटी अकॉर्डिंग यहाँ से आप स्विच कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे मैं इसको करूँगा ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑयल कैप लगा रखी है R15 की फ्रंट, और मैं आपको दिखाता हूँ रियर कैप। तो ये देख सकते हो रियर कैप है, तो ये देख सकते हो आप। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो लुकिंग वाइज बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अब बात करते हैं मेरे क्रैश गार्ड की, तो क्रैश गार्ड का डिज़ाइनिंग वगैरह जो है वो काफ़ी बेस्ट है यहाँ पर, ये यहाँ से आप देख सकते हो। और काफ़ी सारे डिज़ाइन के क्रैश गार्ड आप लोग देखते रहते हो, अलग अलग बाइक्स की अलग अलग फिटिंग होती है, जैसे कि अगर R15M है तो उसका अलग तरीके का फिटिंग होगा, V3 है तो उसका अलग तरीके का फिटिंग होगा। बाकी ये देख सकते हो काफ़ी बेस्ट है। और काफ़ी सारे जो क्रैश गार्ड लगा रहे थे उसकी जो रॉड थी नीचे जा रही थी, जिसकी वजह से ब्रेकर पर टच हो रहा था तो वो सेफ नहीं था, और उस केस में अब यहाँ पर लगा दिया, जो कि प्लग एंड प्ले फिटिंग है इसकी, यहाँ से आप देख सकते हो, ये देख सकते हो गाइस। तो क्रैश गार्ड हो गया बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी वाली एक्सेसरीज है। और इस तरह के क्रैश गार्ड आपको सारी बाइक्स के मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास R15 हो, आपके V3 हो, R1M हो, R15 हो, सबके यहाँ पर आप इजिली मिल जाते हैं। तो हो गई आपकी यहाँ तक की मॉडिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया बबल वाइजर, इसके अलावा टेनर वाले मिरर, लीवर, लीवर गार्ड, फोक स्लाइडर, इसके अलावा फॉग लाइट, इंडिकेटर, क्रैश गार्ड। अब आते हैं बैक साइड में, और बैक साइड में आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके लुक्स को एनहेंस कर रही है, और जो टूरिंग के शौकीन है उनके लिए बहुत ज़रूरी और मस्ट हैव एक्सेसरीज है। तो ये टॉप रैक और सैडल स्टे का जो सेटअप है ये कम्बाइंड है, मतलब ये नहीं कि टॉप रैक अलग से लगाया है, सैडल स्टे अलग से लगाया है, ऐसा कुछ नहीं है, कम्बाइंड है और बहुत ही हैवी, और फिटिंग इसकी काफ़ी अल्टीमेट है। ओ भाई साहब पकड़ना है उसको। तो ये देख सकते हो आप, सैडल स्टे यहाँ पर लग गया है, और भाई एक्यूरेट है, ऐसा नहीं है कहीं से टेढ़ा हो रहा है, कहीं से ज़्यादा बाहर निकल रहा है, तो एक्चुअल में फिटिंग और बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे टॉप रैक, तो मजबूती की बात करूँ तो इस पर कितना ही वेट डाल दो उसमें कोई टेंशन नहीं है, इस पर आप टॉप बॉक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो, और टॉप बॉक्स इंस्टॉल करने का प्रोसेस जो है वो इजी टू फिट होता है, और जब आप चाहो लगा सकते हो, जब आप चाहो हटा सकते हो, खुद भी कर सकते हो गाइस आप। और टॉप बॉक्स की काफ़ी सारी वैरायटी आती है, अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है। तो ये हो गया, और लुकिंग वाइज एक नंबर भाई। तो ऑल ओवर बाइक जो है बहुत ज़्यादा बल्की लग रही है यार गाइस। तो दोस्तों आप देखते हैं बैक लाइट भी है पीछे इंस्टॉल्ड, और ये जो है चाबी ऑन पे, ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगा रखा है, ब्रेक हाँ, अब इंडिकेटर देना लेफ्ट का, तो ये देखो ये लेफ्ट पे है, और राइट का देना एक बार, तो देखो ये राइट पे है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। इंस्टॉलेशन के बाद कुछ इस तरीके से लुक आता है इसका। वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसे लेगी तो कमेंट में बताई देना। तो हमने सोचा एक बार सर से मिलवाते हैं, जो कि इतनी दूर से आए हैं स्पेशली अपनी शॉप जलंधर पंजाब, राजू भाई से इसलिए बोल रहा हूँ, राजू भाई को पंजाब, पंजाब मेरा फेवरेट है भाई, पंजाब और जयपुर ये दो जगह मेरी फेवरेट है। ये थे हमारे राजू भाई, ये थे हमारे सिकंदर भाई, और ये हमारे निखिल। निखिल तो भैया आप कहाँ से आए थे और यहाँ कैसे पहुँचे आप? भैया मैंने आपका अकाउंट देखा था यूट्यूब, और तुमने इतनी अनकम्फर्टेबल बाइक कैसे चला ली बताते हैं? चलो मैं तो 12 साल हो गए चला रहा हूँ बाइक, ही काफी लोग बोलते हैं अनकम्फर्टेबल बाइक है ये। सर निखिल सर राइडर ही है, देखो टी शर्ट पे लिखा हुआ निखिल राइडर ही है। जलंधर से आया स्पेशली आपने? अच्छा यूट्यूब पर देखा था आपने, इंस्टाग्राम पे देखा था? दोनों पे देखा था। अच्छा ठीक है, तो आप जैसा आपने सोचा था बिल्कुल उससे ज़्यादा। क्या चीज़ पसंद आई सबसे ज़्यादा इसमें? आपका काम। तो और कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, ऑल ओवर भैया खुश है। तो कोई अगर आना चाहे तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, रेफरेंस दूंगा आगे, जैसे यूट्यूब पे कुछ दिखा रहे हैं यहाँ पर कुछ दिखा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, जैसा वैसे दिखाते हैं वैसे ही है ना। क्योंकि क्या होता है बहुत से लोग काम ऐसा कर देते हैं कि यूट्यूब पे कुछ और दिखाते हैं, कोई कटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जेन्युइन बाइक है जो है वैसे डायरेक्ट इंस्टॉल की हुई है। ये बेसिकली हमारा जो मोटिव होता है ये होता है कि कस्टमर रिव्यू हम इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि कस्टमर के सामने काम हो रहा है, कोई हिडन काम नहीं करते कि कस्टमर को इधर उधर भेज दिया काम करके उल्टा से कर दिया, सामने काम कराते हैं और हम कोशिश करते हैं बेस्ट देने की अपना, और कस्टमर को पसंद है तो कोई कस्टमर रिव्यू देता है, अदरवाइज कस्टमर भी रिव्यू ऐसे नहीं देगा, गलत नहीं करते। और कुछ आप कहना चाहते हो हमारी फैमिली के लिए तो कह दो, नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे फिर। हाँ नेक्स्ट टाइम ठीक है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जरूर करें, ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं हम आप लोगों के लिए, तो हमारी मेहनत का फल यही है और कि आप
हमें और बड़ा करें। निखिल भाई इसमें आपके कितने पैसे लग गए अंदाजा? एक कंप्लीट मेरे तकरीबन 21-22 हज़ार। 21-22 हज़ार में ये इस तरीके की मशीन तैयार हो गई आपकी, टूरिंग सेगमेंट की बाइक कह सकता हूँ, बट टूरिंग की भी इसलिए लग रही होगी आपको क्योंकि आपने यहाँ पर ये पूरा सेटअप लगा रखा है। बाकी अगर आप बाकी भाई ये चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें तो बहुत ऐसी है कि लेकिन बाइक लेना सबको कराना चाहिए। कहीं बाहर से मिलती नहीं है, अगर आप चाहो तो एक चीज़ मिलेगी 10 नहीं मिलेगी, यहाँ पे 10 की 10 मिल रही है एक्स्ट्रा। बिल्कुल। और सबसे मेन जो मुझे अच्छा लगा ना इस बाइक में, वो मुझे लगा मेरी शॉप का सेटअप। इसमें क्या है, ये अलग अलग नहीं है, कंबाइंड है, क्योंकि ये कंबाइन बनवाया हुआ हमने, इसमें कोई जुगाड़ नहीं है, कोई ये अल्ट्रेशन नहीं कि यहाँ से पत्ती इधर पत्ती उधर कर दिया, पूरा प्रॉपर फिटिंग है, जो भी सर को काफी पसंद आ रहा होगा। और हैवी बहुत है। बाकी टॉप बॉक्स वगैरह जब आपको जाना हो उस पर लगा सकते हो। तो यही था आज की वीडियो में। एक चीज़ और जो बताने बोले, इसके अंदर आप बैक रेस्ट भी लगा सकते हैं अगर किसी को नीड हो, इसके अंदर बैक रेस्ट की जो कि इसमें नहीं लगती वो इसमें लग जाएगी। तो ये था आज की वीडियो, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टिल देन गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।